महिला आरक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। आज क्या हुआ है? आज ये हुआ था कि मैं ड्यूटी आई थी। मैं डेली अपने समय पर ड्यूटी आती हूँ 11 बजे, तो मैं 11:30 पर ड्यूटी आ चुकी थी। ड्यूटी आने के बाद मुझे घर से फ़ोन आया कि बताया कि अपनी बच्ची कहीं चली गई है, आप जल्दी घर आ जाओ। तो ये मुझे लेने आए रिश्तेदार जो रहते हैं, वो मुझे लेने घर पे, मतलब थाने पे आ गए। तो मैं उनके साथ गाड़ी पे बैठ के घर देखा तो छोटी बच्ची बोली मेरी कि मम्मी वो घर पे नहीं है, शिवानी घर पे नहीं है। मैंने कहा चलो देखती है कहाँ पे है। तो मैं उसको DRP लाइन में सरकारी वो स्कूल है वहाँ देखा। फिर किसी ने मुझे पुलिस वालों ने बताया कि बच्ची आपकी है, बल्कि यहाँ तो कहीं लाइन तरफ चली गई। तो मैं DRP लाइन में देखने गई तो हेडक्वार्टर जो बना है हनुमान जी का मंदिर है, उस चबूतरे पर एक दरोगा जी लिए बैठे थे, वो मुझे जानते थे। तो मेरी बच्ची को उन्होंने देख लिया, बोले अरे आप तो अंगूरी की बेटी हो, कहीं यहाँ नाम क्या है? शिवानी। जैसे वहाँ गई तो वो दरोगा जी मुझे पहचानते थे, बोले अंगूरी आपकी बेटी को मैंने यहाँ बिठा रखा है। वो मुझे देख के बोली मम्मी, तो वो मेरे गले से लग गई, भाई चलो बेटा घर चलते हैं। तो वो घर आ गई, तो मैं जो ड्रेस पहने थी, मेरे का जूता अपने उतार के कहाँ से लेना है अंकल, पानी पी लूँ, तो मैं अंदर चली गई। और ये लड़की तीसरी मंजिल पर कब चढ़ गई मुझे पता नहीं, तीसरी मंजिल से कूद गई थी बच्ची। उम्र कितनी बच्ची? इसकी 18 साल उम्र है। ये कक्षा 8वीं में पढ़ती थी, तब से ये दिमाग से डिस्टर्ब है। इसका ट्रीटमेंट अभिजीत श्रीवास्तव मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर से चल रहा था, अभी लॉकडाउन के चक्कर में। हालत ठीक थी, अभी तक नॉर्मल थी, कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने अभी देखा अंदर जाके, मैंने देखा नहीं। स्टाफ मेरा अंदरगंज का आ चुका है, और मेरे स्टाफ भी के लोग बड़ापुर से भी है, रामाऊ।